तो ये आ गए हैं जी हम लैंडस्केप्स पे, अरनकेल के लैंडस्केप्स, हल्की हल्की बर्फ और ग्रीनरी देख लें। नासिम हम भाई, हेलो सर, व्यू चेक करवाएं, जबरदस्त व्यू है सर। बाहर में आए, एग्जाम में आए, सर्दी में आए, गर्मी में आए, वो दो ट्रीज चेक करो सामने, जब भी आए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी जगह आके भी ना इसको फोन वो नहीं छोड़ते, यार कोई इमरजेंसी भी होती है बता। नो इमरजेंसी। हाँ, कैसे हो बच्चों, ठीक हो? क्या नाम है? सनम। स्कूल जाते हो? नहीं जाते। कश्यप और सनम हाय कर दो। हाय, बाय बाय। द ओनली व्हीकल इन अरनकेल, कंडीशन चेक करें आप। बच गए, बच गए। आसिफ साहब किधर भाग रहे थे आप? फाइनली जी निकल गया। इन इस सारी एरिया को पोल्यूट करने वाला ये इकलौता वारिस। ये हमारा होटल, ये मैच चल रहा है इनका, और ये अंकल हैं, इनसे मैं आपकी मुलाकात बाद में करवाता हूँ। समर साहब फुल वाइट। हाँ हाँ, डेड क्लियर, डेड, बहुत नीचे गई है ये। अंकल जी आप भी आए हमारे ब्लॉग में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली जमान अरनकेल से, सिगरेट लगाना चाहता हूँ पहले, इजाजत? जी जी सर। सहूलियात की कमी है, चूंकि गवर्नमेंट नाम की चीज कोई नहीं है, बिल्कुल, इसलिए सहूलियात न होने के बराबर है। जितनी चीजें कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। यहाँ मुझे लाइट का भी अभी आगे पता चला है। बिल्कुल, दैट्स अ ह्यूज हिट ऑल द वे फॉर 6 टू द लॉन्ग रन बाउंड्री, दैट वाज अ बिग गेम। वहाँ बिजली भी जो है अपनी मदद आपके तहत बनाई हुई है, बिल्कुल, पिछले साल तकरीबन उस पे 15-16 लाख रुपए खर्च हुए। अच्छा, तो बस चीजें, ये किस तरह बन रही है बिजली यहाँ पे? जी यहाँ पे किस तरह बिजली बन रही है? बिजली यहाँ पे टरबाइन लगाई हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक होगा। अपने चैनल का भी बता दें। हाँ, अली जमान तुर्क के नाम से है मेरा जी यूट्यूब चैनल, कोई खास कंटेंट्स तो नहीं है। हमारे भी अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जो है आप लोगों ने अंकल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। चलो, अगर कर लिए तो बहुत शुक्रिया। करेंगे करेंगे, मेरा पूरा है, सही है, टाइम पूरा है, लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम है अभी। सर व्यवस्था रहे, सजर से उम्मीदें बाहर रख, कोई नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। यहाँ आने का बेस्ट सीजन कौन सा है सर जी? डिपेंड करता है बंदे के मूड पे। अच्छा, मेरे दोस्त हैं लाहौर से, कमाल भाई, कमाल हैदर जी, बड़े अच्छे माउंटेनियर भी हैं, वो हाइकर भी हैं, सही है। और वो जो है वो ऑटम को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। वैसे जो समर है बहुत अच्छा सीजन है, विंटर भी बहुत अच्छा है। विंटर में तो स्नोफॉल होती होगी, सही? फुल वाइट कारपेट होता है, बड़ी स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल की वीडियोस पड़ी हुई है, फिर यहाँ पे स्नो की एक्टिविटीज होती है, सही है। यहाँ पे स्नो बोटिंग होती है, उसके अलावा जो दूसरा स्की पोल्यूशन यहाँ पे बड़ी खूबसूरत फ्रेश एयर है। बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपसे मिल गए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, हमें याद रखना इंशाल्लाह जी, जरूर, बहुत शुक्रिया। उसकी आंखें करती हैं कलाम हमसे, वो रुख से अपने नकाब हटाए। वाह, क्या कहने। और फिर
अहमद भाई और आसिम भाई के नाम। मरीज इश्क मस्ती को ठीक हो गया, दलीलों से क्या काम। जबरदस्त। मरीज इश्क मस्ती को दलीलों से क्या काम, दलीलों से क्या काम, कोई अहले इल्म मुझे अपनी तरफ बुलाए ना। वाह जी वाह, एक अड़ंगेल का मौसम और ऊपर से आपकी शायरी, वल्ला कमाल। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अड़ंगेल। अभी हम सो के उठे, इस वक्त टाइम क्या हो रहा है समर? समर साहब ये हैं, आसिम साहब वॉशरूम में। टाइम तकरीबन 7:30 हो रहे हैं और ये हमारा रूम है। हालत थोड़ी ख़राब हुई भी और बाहर का नज़ारा कुछ ये है। ये सब जो भी आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये टोटल वुडन हाउसेज हैं। इसमें कुछ गेस्ट हाउसेज भी हैं लेकिन ज़्यादा यहाँ पे पर्सनल स्पेसेस हैं लोगों की। और घास आप चेक करें, ये फुल कोरा इसके ऊपर पड़ा हुआ है। सूरज अभी तक तुलू नहीं हुआ, मतलब तुलू हो गया लेकिन इधर सामने नहीं है। जो आएगा तो फिर तो इस जगह का व्यू सही देखने वाला होगा। बिल्कुल यहाँ से इंटर होते ही फर्स्ट जो गेस्ट हाउस आता है, हमने वहीं पे रूम लिए। आसिम साहब पानी कैसा है? पानी गर्म है, फुल। पक्की बात है? पक्की बात। ठीक हो गया। और अभी मैंने समर साहब को बोला कि पानी बहुत गर्म है। बिल्कुल गर्म नहीं है। ये तो प्रैंक हो गया। ये हो जब जाएंगे तो नहीं पता चलेगा। मेरी तो आदत है मैं ठंडे पानी से नहा लेता हूँ, अब उनको पता चलेगा। और पानी हाथों का कलर क्या हो गया, ऐसे लगता है आज साथ है ही नहीं, है ही नहीं। इतना कोहरा पड़ा है रात। हाँ मैं वही चेक करा रहा हूँ, सारा टोटल घास जो है वो वाइट है। वाइट हुआ। अभी किधर की तैयारी है? अभी यहाँ से निकलते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, एक दो व्यूज देखते हैं, घोड़े पकड़ते हैं फिर चलते हैं। कांप क्यों रहे हैं आप? तो कह रहे थे सर्दी नहीं लगती। मर्द को मान लिया, मर्द को दर्द नहीं होता, चोट नहीं लगती, सर्दी लगती है। ये कड़ाई रात को बच गई थी और इसकी आदत चेक करें। सोचिए फिर हमारा क्या हाल हुआ होगा। बहुत कुछ फ्रीज हो गया। ये क्या, ये किस हुई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। फोटो बनने की तैयारी हो रही है, टाइमर लग चुके हैं, आसिम साहब आ गए हैं, समर साहब रेडी हैं, 10 सेकंड मैं भी रेडी हूँ। आसिम साहब जस्ट टाइमर सेट कर रहे हैं पिछले 10 मिनट से और इनसे टाइमर नहीं सेट हो रहा। 1 2 3 गो। आ जाए बन गई होगी। देखें कैसी आई है।
हम लोग इस टाइम हैं कुंडलशाही में और यहाँ पे कुंडलशाही वाटरफॉल है यहाँ पे सामने इधर है एंड ये है आईबेक्स कॉटेज। ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी इनका सेटअप है। ये हमारा रूम है, मैं आपको अंदर से चेक करवाता हूँ। हमने आते ही ख़राब कर दिया। ये इनका अपना जो है डाइनिंग एरिया और रेस्टोरेंट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आसिम भाई वो तैयार हैं जाने के लिए। अभी हमारी वापसी है यहाँ से इंशाल्लाह। पता नहीं अब डैम कौन सा है लेकिन रास्ते में आते कौन सा नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट और गाड़ी की हालत आप देखें जी साहब। ओह ये आसिम साहब स्नैप लेते हुए गूगल पे रिव्यू दोगे। ये आप देख लें हमारे प्रो भाई। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अमर साहब आप टेस्ट करके बताएं। जिंदाबाद आसिम भाई। आपका चेहरा बता रहा है कि अच्छा जाएगा। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर आपको मिलते हैं खाने के बाद। ये जी अभी हम रुके हैं हजारा मोटरवे पे और यहाँ पे हम हेल्प कर रहे हैं इनकी भाई की, इनका कोई एक्सल टूट गया तो जैक वगैरह नहीं था इनके पास, इनको जैक प्रोवाइड किया। अभी समर साहब इंजॉय कर, शाम का टाइम है। आसिम भाई हिसाब किताब कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं ताकि किसी को देने हैं तो दे, किसी लेने वाले ये एक चीज़ होनी चाहिए बंदे में। जब हम करके जाते हैं तो फिर कंट्रीब्यूशन करके जाते हैं और इससे एक अच्छा जो है ना इम्पैक्ट पड़ता है कि जी आप जब इकट्ठे जाते हैं तो एक बचत होती है, उससे आपको पता चलता है कि आप कहीं रहना है गैदरिंग में तो वहाँ पर आपको कैसे आपको पता चल जाता है जब दो चार दिन आप किसी बंदे के साथ रहते हैं। समझ एक और चीज़ फाइनल सा ख्याल करें
छोटी छोटी चीजों पे, चाहे आप किसी ट्रिप पे घूमने गए हो या कहीं हॉस्टलाइज हो या किसी भी कंपनी में हो, उसका हिसाब किताब माइनर चीजों को मिस कर दिया करें या उसको अवॉइड कर दिया करें, जो लेटर होती है 100-200 की, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी पता चलता है कि पर्सनैलिटी कैसी है। बिल्कुल। और गाड़ी की हालत माशाल्लाह आप देख सकते हैं। ओके भाई, हो गया, थैंक यू सो मच। और कोई हेल्प चाहिए तो हुक्म करें। ओके ओके, जैक रख लिया, चलें जी। ये जी हाँ, समर साहब के घर पहुंच गए। ओके जी, समर साहब अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके हसन साहब अल्लाह हाफिज, ओके बाय बाय। जी इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं अपने घर और बहुत थकावट हो गई है। तकरीबन ये हमारी आज की ड्राइव जो थी 8-9 घंटे की थी और काफ़ी हेक्टिक रहा है सारा, लेकिन मज़ा आया है। पता नहीं अब आप लोगों को व्लॉग मेरा कैसा लगेगा, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था तो आई नो बहुत सारी मिस्टेक्स भी होंगी, मुझे पता है, लेकिन आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा एंड अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा। इंशाल्लाह व्लॉग्स को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों की ला सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इट्स योर बॉय। Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pull up on you like a jansi. Teta asrat manfi. Tujh mein dar hai, I can sense it. Left you bloody.